नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्वागत है। मैं श्यामानंद और आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बुद्धि का नेक्स्ट टॉपिक है। कल के वीडियो में आपको पूरा बताया थे कि बुद्धि क्या होती है और जो बुद्धि के से संबंधित जो उसमें तीन प्रकार है आईक्यू इक्यू एसक्यू उसको भी बताए थे। और जो आईक्यू लेवल निकाला जाता है, जो सूत्र दिया था बुद्धि लब्धि का टर्म ने, उसको भी आपको बताया था, उस पर सवाल करा दिए होंगे। आज की वीडियो में देखते हैं पूरा कि जो बुद्धि होता है वो सबसे अधिक किससे होता है, उस पर सबसे अधिक किसका इफेक्ट पड़ता है देख लेते हैं। और इसके बाद आज पूरा आपको पूरा बता देंगे कि जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं वो बुद्धि को कितने भागों में अलग अलग डिवाइड किए हैं। और उसके बाद जो इसका मतलब इसको तीन भागों में बांटते हैं, जिस प्राचीन समय में क्या मतलब समझते थे बुद्धि को, फिर इस समय क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको पूरा इसमें डिस्कस कर देंगे। फिर इसके बाद है बुद्धि का परीक्षण या मापन, तो भी आपको एक एक करके टॉपिक वाइज आपको दे देंगे कि कौन कौन सा मापन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो पहले ध्यान से समझिए कि देखिए लिख दिए कि बुद्धि को देखिए सबसे अधिक क्या करता है इफेक्ट बुद्धि को, तो क्या करता है वातावरण कितना परसेंट, 90%। यदि कह देगा आपसे बना दिया कि बुद्धि पर सबसे अधिक किसका पड़ता है इफेक्ट, तो क्या बताएंगे वातावरण का कितना परसेंट, 90%। और उसके बाद वंशानुक्रम का आपको विशेषता में, बुद्धि की विशेषता में आपको बताए रहेंगे कि बुद्धि किससे पड़ती है, किससे पड़ती है इफेक्ट, वातावरण का भी और वंशानुक्रम का भी, लेकिन सबसे अधिक किसका पड़ता है इफेक्ट, तो वातावरण का। और उसके बाद वंशानुक्रम का कितना परसेंट, 8%। और इसके बाद है समायोजन, समायोजन का मतलब होता है अपने आप को अनुकूल ढालना, मतलब अपने आप को किसी भी की अनुरूप या अनुकूल ढाल लेना, क्या करता है समायोजन, तो इसका भी बुद्धि पर इफेक्ट पड़ता है 2% लगभग चलेंगे मतलब मान के। लेकिन बस देखिए आपको बस ये जानना है कि बुद्धि पर जो सबसे अधिक इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपका किसका, वातावरण का। फिर देखिए आते हैं बुद्धि के टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस या प्रकार, बुद्धि के प्रकार देखते हैं। देखिए जो बुद्धि का को डिवाइड किया गया है वो दो अलग अलग बांटे हैं मनोवैज्ञानिक, देख लीजिए देखिए बुद्धि के प्रकार, देखिए इसको बांटे हैं पहले एक है थॉर्नडाइक और एक है गैरिट, ये दोनों अलग अलग बांटे हैं बुद्धि को, बुद्धि के प्रकार में। देखिए क्या बोलते हैं थॉर्नडाइक, बुद्धि तीन प्रकार की होती है, थॉर्नडाइक भी पता है तीन प्रकार का और गैरिट भी पता है तीन प्रकार का, बुद्धि क्या प्रकार की होती है तीन प्रकार की, दोनों पता है, ये पता है तीन प्रकार, ये पता है तीन प्रकार। अब देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की जो पहला प्रकार होता है उसे बोलते हैं यांत्रिक बुद्धि, दूसरा होता है मूर्त अमूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि, यही इसके देखिए तीन प्रकार हैं। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यांत्रिक बुद्धि को क्या बोलते हैं, स्थूल या व्यवहारिक, स्थूल या व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है, और इसको सेकंड को बोलते हैं अमूर्त बुद्धि, थर्ड को बोलते हैं सामाजिक बुद्धि। अब फिर देखिए गाइड के अनुसार, गाइड ने क्या बताया था कि बुद्धि के तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखिए इसका भी सेम था, बस थोड़ा सा अंतर क्या था कि इसको क्या बोला था मूर्त बुद्धि, ऐसे क्या बोला था अमूर्त बुद्धि, थर्ड क्या होता है सामाजिक बुद्धि। थर्ड क्या बोला था सामाजिक बुद्धि, देखिए यही तीन प्रकार का बाड़ा था गाइड ने और यही तीन प्रकार दिया था थॉर्नडाइक ने, यांत्रिक बुद्धि अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, और भी बताया था गाइड ने मूर्त बुद्धि अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। देखिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को एक एक करके पूरा समझते हैं। देखिए देखिए थोड़ा सा
समझते हैं यांत्रिक बुद्धि क्या होती है। देखिए यांत्रिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि, जो बुद्धि बालक में सबसे आरंभ में विकसित होती है उसे क्या बोलते हैं? यांत्रिक बुद्धि। जो थोड़ा सा जी आरंभिक काल में, आरंभिक काल में या आरंभिक काल की बुद्धि लिख लीजिए, जो बालकों में सबसे आरंभ में बुद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं? यांत्रिक बुद्धि। और फिर जो होता है अमूर्त बुद्धि से बोलते हैं अमूर्त संप्रति है, जिसमें बालकों में समझ तर्क स्मरण करने की जो बुद्धि होती है, क्षमता होती है, उसे क्या बोलते हैं? अमूर्त बुद्धि। असामाजिक बुद्धि का मतलब कि बालक अपने समाज और परिवेश में, परिवेश से प्राप्त करता है, परिवेश काम समाज से प्राप्त करता है। इसमें बालक के अंदर सामाजिक गुण, सामाजिक स्थिति के बारे में, सामाजिक जो भी रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, इस तरह की जो इसकी क्षमता है उसका विकास हो जाता है, तो उस प्रकार की बुद्धि को क्या बोलते हैं? सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। तो देखिए नाम से स्पष्ट है, अमूर्त का मतलब होता है हमेशा जो चीज स्पष्ट दिखाई न दे, मतलब तर्क करना, कल्पना करना, आस्मरण करने का जो क्षमता होता है, वो क्षमता इस अवस्था में, जो जिस अवस्था में, जिस प्रकार की बुद्धि में होती है उसे क्या बोलते हैं? अमूर्त बुद्धि। और यांत्रिक बुद्धि क्या होती है? जो आरंभिक बुद्धि होती है, जो किसी बालक में सबसे आरंभ में आती है। एकदम सेम यही प्रकार ये भी है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। यदि एक को समझ जाएंगे तो इसको भी समझ जाएंगे। ये पूरा पूरा खत्म हो गया आपका, ये जो बुद्धि के तीन प्रकार थे इसको लिख लीजिए, फिर इसकी इसे कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं अगला टॉपिक। लिखिए कि जो हेडिंग लगा लीजिए, बुद्धि का मापन या परीक्षण। देखिए देखिए वीडियो लंबा नहीं बना रहे क्योंकि वीडियो जो लंबा जाएगा तो उसको सब लोग देख नहीं पाते, बोरिंग होने लगता है। वीडियो सब छोटा रहेगा उसमें तो पढ़ने भी अच्छा लगता है। देख लीजिए हेडिंग, बुद्धि का मापन, बुद्धि का मापन या परीक्षण कर सकते हैं। देखिए पहले आपको थोड़ा सा इतिहास बताते हैं कि प्राचीन काल में, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक, इन तीनों समय में ना बुद्धि को क्या कहा जाता है, क्या मतलब माना जाता है बुद्धि को। देखिए प्राचीन काल में माना जाता था शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर। देखिए प्राचीन काल में जो बुद्धि का था मापन वो कैसे था? शरीर रचना के आधार पर मापन। देखिए क्योंकि उस समय जब था प्राचीन समय में तो लोग शरीर के आधार पर बुद्धि का करते थे मापन। जैसे जिस व्यक्ति का शरीर का रचना सही था, सुडौल था, ऐसा मतलब लोग अंदाजा मतलब लगाते थे कि उसकी बुद्धि क्या थी? अधिक थी। जिसका शरीर रचना सही नहीं थी उसकी बुद्धि क्या थी? कम थी। ये प्राचीनतम समय की थी धारणा ये। देखिए इस समय मतलब मध्यकालीन में 1905 में ये बीने ने मापा था व्यवहार के तौर पर कि जिस प्राणी का व्यवहार सही है उसके अंदर बुद्धि अधिक है, और जिसके अंदर, जिसका व्यवहार सही नहीं है उसके अंदर क्या होता है? बुद्धि उतनी विकसित नहीं होती है। यह प्रथा मध्यकालीन में। और आधुनिक काल में क्या बांध दिया था? टर्मन आईक्यू लेवल, ये बता दिया था आपका नापने के लिए कि मेंटल एज गुणते 100 बटे क्रॉनिकल एज। इससे ये टर्मन ने प्रस्तुत कर दिया कि जो आधुनिक समय में जो होता है बुद्धि का मापन वो कैसे करते हैं, तो बुद्धि लब्धि के आधार पर होता है मापन, कि किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता और वास्तविक क्षमता से क्या निकल जाता है उसकी, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, और उससे होता है मापन की प्राणी का बुद्धि या प्राणी किस प्रकार की कैटेगरी में आता है। ये तीनों दिनों पूरा उतार लीजिए बुद्धि के मापन में। इसके बाद थोड़ा लगा लीजिए कि देखिए बुद्धि का जो परीक्षण होता है उसमें थोड़ा लिख लीजिए। देखिए यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जो 1905 में तो बीने दिया था, फिर
और टर्मन कब जैसा था तो क्या लगाएंगे 1916 लिख लेंगे। ये टर्मन कब जैसा कब प्रस्तुत किया था सूत्र, ये 1916 ईस्वी में। हाँ फिर इसके बाद देख लेते हैं बुद्धि का जो परीक्षण होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ा देते हैं। अलग अलग देखिए अलग अलग इसका आता है विद्यालय स्तर पर प्रयोग होता है बुद्धि के परीक्षण के लिए अलग अलग होता है परीक्षण। तो परीक्षण में कुछ कुछ देखिए इंपॉर्टेंट है जिसका आपको पूरा बता दे रहे हैं ठीक है लगा लीजिए लिख लीजिए बुद्धि का परीक्षण। तो देखिए बुद्धि के परीक्षण में कुछ पॉइंट बस इंपॉर्टेंट है जो आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से तो आप तो पूरा पढ़ाने लगे तो पूरा लंबा जाएगा लेकिन देखिए जो जो मुख्य मुख्य एग्जाम में आते हैं बस उसी को आपको बता दें हेडिंग लगा लीजिए अल्फा बीटा परीक्षण। देखिए आता पहला आता है आर्मी अल्फा आर्मी बीटा परीक्षण लिख लीजिए। एक आता है दूसरा भाटिया परीक्षण भाटिया। देखिए यही दोनों मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट है एग्जाम में हमेशा पूछता है तो भाटिया परीक्षण पूछता है जो बुद्धि का परीक्षण होता है। देखिए पहले सुन लीजिए आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण क्या होता है। देखिए आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण में देखिए यह परीक्षण सबसे पहले कहां किया गया था तो अमेरिका में विश्व युद्ध में सैनिकों के लिए किया गया था। देखिए इस परीक्षण में जो सैनिकों की अलग अलग बुद्धियों का मापन किया गया था। देखिए इस परीक्षण थोड़ा लिख लीजिए कि इस परीक्षण में लिख लीजिए हाँ इस परीक्षण में हाँ इसको थोड़ा मिटा कर लिख लीजिए इस परीक्षण में जो आर्मी अल्फा वाले सैनिक सुदृढ़ बुद्धि वाले थे जबकि आर्मी बीटा वाले सैनिक कम बुद्धि वाले थे। देखिए इनको बांटा गया था जिसे अमेरिका में हुआ था विश्व युद्ध तो उसमें जो सैनिकों की बुद्धि का था मापन उसी के लिए यह परीक्षण किया गया था आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण। इसमें एक बार ध्यान रखिएगा जो आर्मी अल्फा वाले जो सैनिक थे उनकी बुद्धि कुछ अधिक थी विकसित और जो आर्मी बीटा वाले थे उनकी बुद्धि कुछ कम थी विकसित। इसी के आधार पर क्या किया उनको अलग अलग आर्मी अल्फा आर्मी बीटा में बांटा गया था। पहला परीक्षण इसके बारे में बस हल्का बेसिक उतना इसमें ब्रीफ नहीं बस यही था इसके बारे में। आगे लिख लीजिए भाटिया परीक्षण सेकेंडली एडी भाटिया परीक्षण देखिए भाटिया परीक्षण और इंपॉर्टेंट है। देखिए भाटिया परीक्षण यह परीक्षण जो आपका किया गया था यह परीक्षण इंडिया का है और जो ये भारत में किया गया था भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में यह परीक्षण हुआ था जिसको कौन किया था चंद्रमोहन भाटिया नाम था इनका। पूरा पहले पॉइंट पर लिख लीजिए एक करके। देखिए यह परीक्षण हमेशा 5 से 16 वर्षों के लिए बालकों के लिए होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए कि यह परीक्षण लिखिए यह परीक्षण उत्तर प्रदेश के
इलाहाबाद जिले में चंद्रमोहन भाटिया भाटी ने किया था। देखिए सेकंड पढ़ लीजिए, यह परीक्षण पांच से सोलह वर्ष के बालकों के लिए होता है। यह परीक्षण पांच से सोलह वर्ष के बालकों के लिए होता। देखिए इस परीक्षण की एक मतलब खासियत होती है, इस परीक्षण में हाँ शाब्दिक प्रश्न होता है। लिख लीजिए थोड़ा एक मिनट और, अभी आपको समझा रहे हैं। यह परीक्षण अशाब्दिक प्रश्न होता है। अशाब्दिक प्रश्न और शाब्दिक प्रश्न में अभी आपको समझा रहे क्या अंतर होता है, पहले ही पूरा उदाह लिया। देखिए भाटिया परीक्षण, यह परीक्षण कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में। कौन किया था? चंद्रमोहन भाटिया ने किया था। और यह भी बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण होता है, और इसमें यह जो परीक्षण होता है पांच से सोलह वर्ष के बालकों के लिए होता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस परीक्षण में पांच बैटरी का प्रयोग किया गया था, जिसे बोलते हैं उप निरीक्षण। देखिए यूपी टेट में 2018 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि भाटिया परीक्षण में कितनी बैटरी का प्रयोग हुआ था, तो कितने बैटरी का? पांच बैटरी थी। उसको भी ले लीजिए, लिखिए इस परीक्षण में पांच बैटरी या पांच उप निरीक्षण प्रयोग किया जाता है। देखिए ये यूपी टेट में क्वेश्चन आ चुका है कि कितनी बैटरी प्रयोग होती है, तो पांच बैटरी प्रयोग होती है भारतीय परीक्षण में। ये पूरा मुख्य में तो पॉइंट इसको उतार लीजिए, और फिर देखते हैं कि देखिए इस परीक्षण में होता क्या है। एक फ्रेम पर इसको लिख लीजिए, देखिए इस परीक्षण में एक डायग्राम बना होता है, इस परीक्षण में एक पर्दा होता है, इसके सामने एक बैटरी रख जाती है, इसे क्या बनता है? चित्र बनता है। चित्र यह पर्दा होता है और ये क्या होती है? बैटरी होती है। देखिए अलग अलग दो या दो से अधिक चित्र बनते हैं, और उन्हीं चित्रों को देखकर अंतर स्पष्ट करना होता है, और यह जो अंतर स्पष्ट होता है इसी से बच्चों की क्या होता है? बुद्धि का मापन किया जाता है। यही भाटिया परीक्षण है। भाटिया परीक्षण में बैटरी से पर्दे पर दो या दो से अधिक आकृतियां बनाई जाती है, और उसी आकृतियों में अंतर स्पष्ट करना रहता है, और जो अंतर स्पष्ट करते हैं उसी के आधार पर बच्चों की बुद्धि का मापन होता है। देख लीजिए इसमें लिख लीजिए, देखिए चित्र एक है और यहां दे देगा चित्र दो है, आता है चित्र एक और चित्र दो में अशाब्दिक अंतर बताइए, में अंतर स्पष्ट कीजिए। लिख लीजिए अंतर स्पष्ट कीजिए, देखिए यही होता है भाटिया परीक्षण। एक बैटरी लगा होता है, एक पर्दा होता है, इसी पर्दे पर दो प्रकार के क्या बनते हैं? चित्र बनते हैं, दो से अधिक प्रकार के, और उन्हीं में क्या करना होता है? अंतर स्पष्ट करना होता है, और इसी अंतर के अंतर स्पष्ट के आधार पर क्या होता है? बच्चों की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो ये आपका दो परीक्षण हो गया, आर्मी अल्पा आर्मी में बीटा परीक्षण, और ये आपका खत्म हो गया भाटिया परीक्षण। ये देखिए यूपी टेट के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है इसे, भाटिया परीक्षण से हमेशा पूछता है कि भाटिया परीक्षण कहाँ हुआ था, भाटिया परीक्षण कौन दिया था, भाटिया परीक्षण में कितने वर्ष के बालकों का बुद्धि का मापन होता है, भाटिया परीक्षण में कितनी बैटरी का प्रयोग होता है। इसी पर अति हल होते क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है। तो ये पूरा खत्म हो गया आपका, और इसके बाद फिर से पढ़ेंगे तो बुद्धि के
क्या है बुद्धि का सिद्धांत आता है इसके बाद कि बुद्धि के सिद्धांत में एक कारक सिद्धांत, दुई कारक, त्री कारक और एक आता है बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत जो शिर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गार्डनर जो दिया है कि बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत शिर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको कल के वीडियो में पढ़ेंगे। शॉर्ट शॉर्ट में भी वीडियो आपको मिलता रहेगा, तो आप अच्छे से उसको आसान से भी करते भी रहेंगे। ये पूरा पूरा आपका खत्म हो गया आज का, बस क्लास यही में समाप्त करते हैं, फिर कल के वीडियो में आपको देखेंगे बुद्धि का सिद्धांत। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से लोगों के पास शेयर करें। थैंक्स।